दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी आप छात्रों के लिए दोस्तों अगर आप साल भर का करंट अफेयर्स मंथ वाइज जनवरी 2018 जनवरी 2019 तक का वन नायर अप्रोच में पढ़ना चाहते हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लोअर की बात करें आपकी मंडी परिषद की बात करें आगामी लेखपाल की बात करें तो ये स्पेशली आपकी पी तैयार कराई गई है और ये कुल तीन पन्ने की पी डी है और मात्र आपको पच्चीस रुपये प्रोवाइड कराई जा रही है अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में है वहाँ से करके आप इसको परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं बहुत उपयोगी तथ्य हैं सारे तथ्यों को इसमें समाहित किया गया है तो चलिए हम अपने वीडियो के आगे बढ़ते हैं नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है दोस्तों एक बहुत ही उपयोगी जानकारी आप सभी छात्रों के लिए जी हाँ दोस्तों भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में देखिए निकली है बम्पर भर्ती और ये भारत सरकार के अंतर्गत एक संस्था है भारतीय खाद्य निगम और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है और 28 फरवरी से इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा और यहाँ पर देखिए करंट रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जाएंगे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूँगा जहाँ पर आप देख सकते हैं इसको तो ये देखिए करंट रिक्रूटमेंट में हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एडवर्टीज़मेंट नंबर देखिए यह है आपका जो है वन ऑब्लिक टू ठीक है दो की ये पहली भर्ती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की आपका कैटेगरी थर्ड और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन लिंक फॉर ऑनलाइन फॉर्म वुड बी अवेलेबल फ्रॉम 28 दो 2019 से आपका 10 अगस्ट टू आपका देखिए यहाँ 30 तारीख तक ये अवेलेबल रहेगा 28 से लेकर 30 मार्च तक ठीक है तो आपका टोटल ये एक महीने तक भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए सभी जोन के लिए अलग अलग निकला हुआ है अलग अलग जिस जोन में हैं आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए मैं इसकी ऑफिशियल जो आपका दोस्तों है वेबसाइट आ, के अंतर्गत जो लिंक है यहाँ पर देख सकते हैं जो पी है ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट है तो यहाँ पर देखिए ये साफ साफ आपका लिखा हुआ फूड कारपोरेसन ऑफ इंडिया का देखिए जोन वाइज रिक्रूटमेंट ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज़ वैकेंसी है तो इसमें देखिए क्या क्या है जैसे नॉर्थ जोन की बात करें तो जेई सिविल इंजीनियरिंग का है जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है स्टोनो ग्रेड थर्ड है आपका सॉरी सेकेंड है ए जी सेकेंड हिंदी है टाइप हिंदी है ए जी थर्ड जनरल है तो ये देखिए सारी डिटेल लिखी हुई है इस पोस्ट में और सभी चीज़ें हैं सभी योग्यताएं हैं तो आप सभी छात्र यहाँ पर देखिए अपनी कैटेगरी अपनी योग्यता अपने जोन के अनुसार इस फॉर्म को देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी जॉब है यहाँ पर और इस जोन देखिए ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो दोस्तों इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और इस वेबसाइट का तो वहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है एक एक 2019 तक जो भी आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये पूरी डिटेल है और एक ही छोटी जानकारी इस वीडियो में है क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा है पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आप सभी छात्र इसके पी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका ये सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया हुआ है कैसे आपका होगा यहाँ पर देखिए जो आपका टेस्ट होगा वो क्या होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा फेज़ फर्स्ट एंड सेकेंड दो एग्जाम में होंगे फेज़ फर्स्ट होगा एंड फेज़ सेकेंड होगा और उसमें देखिए फेज़ फर्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग एबिलिटी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ये तीन खंड होंगे आपके तीन पार्ट होंगे टोटल आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हंड्रेड होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी हंड्रेड होंगे और ये आपका होगा साठ मिनट का ठीक है एक घंटे का ये पेपर होगा और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि माइनस मार्किंग यहाँ एप्लीकेबल है दियर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ वन फोर्थ ऑफ द मार्क एसाइन ठीक है तो ये नेगेटिव मार्किंग है और फेज सेकंड में देखिए अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं अलग अलग तरीके से यहाँ पोस्ट वाइज आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा तो यहाँ पर ये है और चलिए हम देख लेते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्रों के लिए जो बात कर सकते हैं दस परसेंट रिजर्वेशन का क्या परफार्मर आया है यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ठीक है ई डब्ल्यू एस के तहत देखिए यहाँ पर है वैलिड फॉर द ईयर तो ये कुछ परफार्मा है इस प्रकार के परफार्मा पे आपको ये बनवाना पड़ेगा तभी आपको दस परसेंट जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा और देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है ये सारी चीज़ें हैं ये तो प्रीडिफाइंड परफार्मा है तो इसी परफार्मा पे यहाँ पर आपका बनेगा तो ये सारी चीज़ दोस्तों ये छोटी सी जानकारी और ये बहुत ही उपयोगी कह सकते हैं कि आपसे भी छात्रों के लिए जानकारी होगी जो छात्र इच्छुक हैं फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब करने के लिए तो यहाँ से ये है आपका इन्फॉर्मेशन आप अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी उपयोगी जानकारी के साथ साथ